क्या आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा प्रदेश है, आज भी बिहार से पलायन होता है, आज भी बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आया है, जरूरी है बिहार को विकसित बनाना, जरूरी है जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी ने शुरू किया था उस संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाना। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा बेहतर रोजगार की बात करता है। क्यों बिहार में आईटी सेक्टर नहीं आ सकता, क्यों बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते, क्यों बिहार के बंद पड़े उद्योग चालू नहीं हो सकते, ये तमाम चीजें हो सकती है, पर जरूरत है सिर्फ इस सोच की। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, चिराग पासवान पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा हूं। चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव घर घर तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को पहुंचाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, आप एक कदम चले मैं 100 कदम आप लोगों के साथ चलूंगा। जब तक अपने प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना लूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये संकट आज आप लोगों के सामने करके जाता हूं। साथियों अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं और ये वादा आप लोगों से करता हूं। शिक्षक संघर्ष मोर्चा बताइए, ये हालात है हमारे प्रदेश के, इनको लगा कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान, फिर इनको लगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान, इनको लगा कि इसको इसके घर से इसका सामान इसकी माँ इसकी बूढ़ी नानी के साथ इसको सड़क पे फेंक दो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान टूट जाएगा वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामदास पासवान का बेटा है। हम लोग दशरथ राजी की धरती के लोग हैं भैया, पत्थर पहाड़ को तोड़ने की क्षमता हम लोग रखते हैं, हम लोग हमको तोड़ने की बात करेंगे भाई। हम लोग सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वो है विकसित बिहार का निर्माण, बिहार को फर्स्ट बिहारी को फर्स्ट बनाने की सोच। और ये लोग हम लोग को जाकर धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं। सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलने की, पर जो प्रदेश का मुखिया ही हम लोग को जाति में बांटने का काम करे, हम लोग को धर्म के आधार पर बांटने का काम करे। सोचिए परिवार का मुखिया पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले, वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग को जाति में धर्म में सिर्फ बांटने की राजनीति करने का ये लोग काम करते, कभी दलित को महादलित करो कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा करो, कभी अपना कभी पिछड़ा कभी ला कभी कुछ कभी कोरी कभी कुर्मी कभी महिला कभी पुरुष, सिर्फ बांटने की राजनीति। जबकि हकीकत है कि पहले
हम सब बिहारी हैं और बिहार में 13 करोड़ बिहारियों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब वर्ग में हर चार दोस्तों के हमारे जिला अध्यक्ष प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे प्रखंड के पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों का भी मैं आप सबके समक्ष सम्मान करता हूं। आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य के साथ आया हूं, एक खास मकसद के साथ आप लोगों के बीच आज यहां पर ये संवाद साधने आया हूं। आप सब जानते हैं कि ये साल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। इस साल बिहार के चुनाव, इस साल लोकसभा के चुनाव के साथ साथ संभवतः बिहार में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। ये चुनाव आने वाले 5 साल बिहार का भविष्य तय करने वाला है, और इसीलिए ये साल, ये वर्ष इतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ना जाने एक 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 करके हम लोगों ने कितने ऐसे 5 साल गवा दिए। परिणाम आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। आज जहां एक तरफ देश में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमारा प्रदेश है जो आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। जब आज भी मूलभूत जरूरतें हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ, आज भी सड़क, बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बड़ी समस्या बना हुआ, जहां एक तरफ दूसरे प्रदेशों में हम लोग विकास की नई नई गाथाएं लिख रहे हैं, जब मल्टीप्लेक्सेस की बात होती है, जहां एजुकेशनल हब की बात होती है, जहां बड़े बड़े एम्स स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, तो वहीं हमारे प्रदेश में हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल है, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर है, कैसे हमारे घर के सामने नली बने, गली बने, ये आज भी हमारी बड़ी समस्या है। बिहारी शब्द को अगर उसकी पहचान उसे छीन ली गई, तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये जवाबदेही तय करने का समय, चयनित करने का समय है भैया कि किन लोगों की वजह से बिहार और बिहारी अपमानित हो रहे हैं। भाई बिहारियों के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। आज चले जाइए देश का, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बिहारी आपको मिलेंगे। मेरे मीडिया के साथियों पर मौजूद है, मीडिया चैनल में चले जाइए, बड़े बड़े जितने मीडिया हाउसेज है उसके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी बिहारी हो, अस्पतालों में चले जाइए, कॉलेजेस में चले जाइए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां पे बिहारी होंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है, तो हमारा बिहार इतना पीछे कैसे रह गया, ये सवाल हम लोग को पूछने की जरूरत है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता और शिक्षा के लिए आया, क्या कोई दिल्ली से कोई आया बिहार रोजगार के लिए? क्यों, क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? क्यों हमारे प्रदेश में हमें वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती? भाई हम लोग मेहनत करने से घबराते नहीं, पर यहाँ की व्यवस्था हम लोगों की इच्छा शक्ति को नहीं, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है जो हम लोगों को
आगे बढ़ने से रोकती है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत। भैया जब हम लोग गया में मौजूद है गौतम बुद्ध की धरती, उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, सब त्याग दिया, क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दे सके, उनका मार्गदर्शन हो सके, ज्ञान के मार्ग पर उनको आगे लेकर जाया जा सके। ये इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये इच्छा शक्ति अगर आज की सरकारों में होती तो हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा नहीं चला। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे? भाई कौन लोग हैं सत्ता में? ये वही लोग हैं जो पिछले 32-33 साल से बिहार सरकार का हिस्सा है। जितने घटक दल हैं, यही लोग पिछले 32-33 साल से बिहार की सत्ता के काबिज है। और आज ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे? भाई अगर बिहार पिछड़ा तो इसके जिम्मेदार अगर ये महागठबंधन दल के नेता और इनके घटक दल नहीं है तो और कौन है? आज भैया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से इतना बैर क्यों है भैया? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान हक अधिकार की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है। आज तमाम शक्तियां, एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त कर देना चाहती है। क्यों? क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का? ना कोई कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा, ना कोई क्योंकि चिराग पासवान का कसूर इतना है कि वो युवाओं की बात करता है। चिराग पासवान का कसूर इतना है कि बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता है, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, मजदूरों के हक की बात करता है। इसीलिए दो चिराग पासवान